हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, एज वेल एज विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, लेट मी टेल यू एट वंस, चैप्टर 4 इज गोइंग ऑन, ओके? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द चैप्टर नेम इज व्हाट इज इट, एंड वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? एंड What was your previous exercises? आपका जो previous exercise था वो आपके riddles means puzzles से related था। We were reading about some puzzles or we had some clues and after reading to that clues हम लोग क्या कर रहे थे? Clues मिलने के बाद हम लोगों के पास कुछ pictures हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, okay? And then we were writing our correct answer. And students, what is the page number today? Page number 41. Everyone, let's take out the page number 41. Have you opened that? Okay, very good. Now students, there are given some remain exercises of your previous exercise. यहाँ पे कुछ remain point आपके दिए गए हैं जो कि आपके previous exercise से थे, ठीक है? And ये आपका exercise था riddle exercise, okay? यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं, I am born in pairs, but there's no right or left in these pairs. I am. देखिए, I am born in pairs means मैं क्या किया जाता हूँ, मैं pair में pair के साथ पहना जाता हूँ, but लेकिन there's no right or left in this pair. और जो आपका ये pair है जो, तो उसमें क्या होता है, कोई right या left इस pair में नहीं होता है. So that which thing is that? You have one picture as you can see. आप picture देख सकते हैं, picture से identify कर सकते हैं ये picture. Yes, tell me about this picture. What type of picture is this? ये आपका socks का picture है, okay? So we will write here socks spelling. Spelling of socks SOCKS, ठीक है ना? Socks spelling आपकी हो जाएगी. Means the correct answer of this puzzle is socks. Clear? Socks हो गया. Next आइए, I gave you said and rhyme with tap. I gave you said and rhyme with cap. Means I gave you said means मैं क्या करता हूँ, मैं आपको शेडिंग देता हूँ, शेड देता हूँ means मैं जो सन है, ठीक है ना, उसके रेस से आपको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, छाया देता हूँ. एंड राइम विथ टैप, और मैं क्या हूँ, और मैं टैप जो वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड भी हूँ, ठीक है ना, टैप वर्ड जो है उसका राइमिंग वर्ड भी हूँ. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस पिक्चर. सो नाउ लेट्स टेल मी द नेम ऑफ दिस पिक्चर. आई होप स्टूडेंट्स यू कैन टेल वेरी इजली. टेल मी, बताइए क्या, कौन सा पिक्चर है ये? येस, देयर इज अ पिक्चर ऑफ कैप. कौन सा पिक्चर है? कैप, स्पेलिंग CAP. कैप एंड टैप दोनों सेम साउंड आ रही है दोनों की ना, दोनों की सेम साउंड आ रही है, दोनों सेम साउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे टैप की राइमिंग वर्ड भी कैप हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. आई एम अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द रेन. आई एम अ कोट, मैं क्या हूँ, मैं एक कोट हूँ, दैट जो कि प्रोटेक्ट आपको सेव करता है फ्रॉम द रेन, रेनिंग से मीन जब रेनी सीजन होती है तो हम जब इस कोट को वेयर कर लेते हैं तो ये हमें क्या करती है, ये हमारी प्रोटेक्शन करती है, किससे, रेन से, रैनी से, ठीक है ना, बारिश जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें सेव रखती है. येस, दिस थिंग इज कॉल्ड एज, यहाँ देख सकते हैं आपका, टेल मी अबाउट दिस पिक्चर नेम. येस, रैन कोट. कौन सा कोट आपका ये है? रैन कोट. रैन कोट की स्पेलिंग यहाँ पे राइट कर देंगे, RANCOAT. ऑलरेडी आपके कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स मिसिंग हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, ओके? फर्स्ट सॉक्स, सेकेंड कैब एंड लास्ट वन यू हैव रेन कोट. डन? ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. इट इज़ अबाउट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो व्हाट आर द गिवन इन बिल्डिंग ब्लॉक्स? यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क्स मीन्स इन दिस टॉपिक वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क मीन्स आज हम लोग यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क का रीड करेंगे, दैट वेयर शुड वी यूज द क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस. क्लियर? ओके, स्टार्ट. रिमेंबर
अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड इन विद अ फुल स्टॉप. जैसे कि आप सबको रिमेंबर है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, आप सबको रिमेंबर है कि जो सेंटेंस होता है दैट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है एंड इन विद अ फुल स्टॉप एंड एट लास्ट वी पुट वर्ड और वी कीप अ फुल स्टॉप इन विच सेंटेंस, इन विच टाइप ऑफ सेंटेंस, इन पॉजिटिव सेंटेंस और इन असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी पुट द वर्ड पंक्चुएशन मार्क्स विद द सेंटेंसेस. यहाँ देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस, हेयर आर सम सेंटेंसेस विच यू हैव टू रीड लाउडली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं. क्या है आपका? आई लव टू प्ले विद माई ग्रैंड मदर. फ्रेंड्स, एज यू कैन सी योर फर्स्ट लेटर मीन्स आई इज इन योर कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर में है. लव टू प्ले विद माई ग्रैंड मदर, आफ्टर ओवर द सेंटेंस यू हैव अ फुल स्टॉप. यहाँ देखिए फुल स्टॉप है ना. नेक्स्ट, माई मदर एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्विम, एट लास्ट फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला, मीन्स ये सारे सेंटेंसेज आपके सिंपल सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड डन. नेक्स्ट, डू यू लाइक टू मीट योर फ्रेंड्स एट स्कूल. नाउ आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है ना. डू यू लाइक टू मीट, क्या आप मेरे फ्रेंड से एट स्कूल पे मिलना चाहेंगे या चाहते हैं? ठीक है, आप मेरे फ्रेंड से स्कूल पे मिलना चाहते हैं, ये बताइए कैसे क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस? ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है. इट्स इन क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी हम लोगों ने लर्न किया है ना, सीखा है ना, क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क. इट इज़ द मार्क ऑफ योर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है ना, तो क्वेश्चन मार्क हम पुट अप करते हैं. इफ़ यू विल पुट फुल स्टॉप दैट मीन्स दैट योर दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर मिल्क, क्या आपने अपना मिल्क फिनिश कर लिया, ड्रिंक कर लिया, ख़त्म कर लिया? यहाँ पे भी क्वेश्चन है, वी हैव टू राइट आंसर, देन इट्स ऑल्सो इन योर क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे. क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस साइन, वी हैव टू लुक एट दिस साइन मीन्स विच टाइप ऑफ साइन इज दिस, इट्स योर क्वेश्चन मार्क साइन. ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आपका है. वॉट इज दिस, क्या है, वॉट इज दिस, यह क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ देखिए डाउन पे नोट में लिखिए, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वेयर इज दिस वन एट लास्ट, एंड वॉट डू यू डू विद इट, एंड वॉट डू यू डू विद इट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वॉट डू यू डू विद मीन्स आप इन क्वेश्चन मार्क के साथ क्या करते हैं. यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन है, वी पुट इट आफ्टर अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, मीन्स हम इसको तभी पुट अप करते हैं क्वेश्चन मार्क का, जबकि क्या होता है, आफ्टर सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन या कोई किसी भी चीज़ के बारे में आस्क किया जाता है, पूछा जाता है, तो क्या करते हैं वी पुट क्वेश्चन मार्क लाइक, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लाइक करते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट अप करते हैं. एग्जाम्पल, वेयर इज माई शू, समवन इज आस्किंग अबाउट समवन शू, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया जा रहा है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा. नेक्स्ट, वॉट इज इन अ जू, यहाँ पे भी क्वेश्चन में है कि जू में क्या है. इज योर नेम रोहन, क्या आपका नाम रोहन है, देयर इज द क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या है, इज योर नेम रोहन, क्या आपका नाम रेहन है, रोहन है. नेक्स्ट, डज वन एंड वन इक्वल टू, डज वन एंड वन इक्वल टू, ये भी आपका क्वेश्चन है ना. इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, क्वेश्चंस को आस्क किया जा रहा है, दैट मीन्स दिस ऑल द क्वेश्चंस आर इन क्वेश्चन मार्क, ओके, इन क्वेश्चन टाइप सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑन योर पेज नंबर 41 एक्सरसाइज था आपका, एंड टुडे वी हैव एक्सप्लेन टू दिस पेज नंबर अबाउट द क्वेश्चन मार्क, एंड इन द ऑन द नेक्स्ट पेज मीन्स ऑन पेज नंबर 42 पेज नंबर 42 यू विल हैव सम एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू दिस
explanation. Okay? So let's start to complete this exercise. पहले इसको कर लीजिएगा आप लोग अपने बुक में. एंड आफ्टर दिस क्या करेंगे, ये जो आपके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन मार्क अबाउट दिस एग्जाम्पल्स, इन सबको आप अपने नोटबुक में राइट करके अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. देन वी विल डू दी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे, कंप्लीट योर वर्क एंड देन सेंड मी इन द स्कूल एप्लीकेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल.